हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। एंगल बनाना है आपको और उसको प्रोटेक्टर से मेजर करके वेरीफाई भी करना है। पार्ट 3 करेंगे। 135 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। तो सबसे पहले एंगल बनाने के लिए एक रे बनाएंगे जिसके ऊपर एंगल बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक रे बनाई है ए बी, जिसका इनिशियल पॉइंट मैंने ए पे रखा हुआ है। रे बनाने के ऊपर आपको कंपस लेना है और कितना भी खोल के, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ए के ऊपर रख कर एक बड़ी सी आर्क लगा देनी है। और ये आर्क आप बड़ी लगाना ताकि लाइन के सामने तक चली जाए। अब इसको बिना हिलाए जहाँ पे ए बी रे को इसने इंटरसेक्ट किया है उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रख कर पहली आर्क लगानी है, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क लगानी है, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखकर आपको तीसरी आर्क लगानी है। ये आर्क इसलिए लगाई गई है क्योंकि पहली जो आर्क होती है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, दूसरी बना देती है 120 का, और जो तीसरी आर्क होती है वो 180 डिग्री का एंगल बना देती है। ये 60-60 डिग्री से आगे बढ़ती हैं। अब इतना करने के बाद आपको इस रे ए बी के ऊपर एक 120 का एंगल बनाना है। तो ये जो आर्क होगी ये 120 का एंगल बना देगी, तो इसी को मैं ज्वाइन कर दूंगा। और इसका मैं नाम रख दूंगा यहां पे सी। तो सी ए बी जो एंगल है ये 120 डिग्री का आ गया। अब मुझे बनाना है 135 का। अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है, ये मैंने बताया आपको कि ये 120 डिग्री का होता है, और जो तीसरी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, ये होता है 180 डिग्री का। तो ये 120 है और ये 180 है। 180 के और 120 के बीच में जो डिविजन्स आते हैं वो है 60 डिग्री। तो अगर 60 का मैं हाफ कर देता हूँ, यानी इतने पोर्शन को अगर मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे 30 डिग्रीज मिल जाएंगे। तो मैं इसका बाइसेक्ट करूँगा। अब मुझे इतने पोर्शन को, यानी इतने एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो अपने कंपास पे इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, और एक बार इस तरफ रख कर और एक बार यहाँ पे रख के ये मुझे आर्क लगानी है। अब इसे मैं ज्वाइन कर दूँगा। इसका नाम रख देते हैं डी। तो ये जो डी ए बी है ना, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा एंगल अब ये आपका 150 डिग्री का बन गया है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक पूरे इसके अंदर ये 60 डिविजन्स थे। तो इसका जब बाइसेक्ट हो गया तो इतना जो पोर्शन ये वाला आया है, ये वाला, ये 30 डिग्री आ गया है। 120 में जब 30 डिग्री हम जोड़ेंगे तो ये 150 डिग्री का बन जाएगा। तो जो डी ए बी एंगल बना है ना, एंगल डी ए बी यहाँ पर 150 डिग्री का बन गया। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी कभी 150 डिग्री का भी आ जाता है, अगर आपसे 150 डिग्री का एंगल पूछा जाए, तो ध्यान रखना इस तरह से आपका 150 डिग्री बनता है। अब हमें बनाना है 135। तो फिर से हम अपने इस एंगल पर फोकस करेंगे। हमने देखा कि यहाँ तक तो 120 हम बना चुके हैं, और इतने जो पार्ट हैं ये हैं 30। अगर मैं 30 का हाफ कर दूं, यानी कि बाइसेक्ट कर दूं, तो मुझे 15 डिग्रीज मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं 30 का हाफ करूंगा, मुझे 15 डिग्री मिल जाएंगे। तो 120 में 15 जुड़ जाएगा तो मेरा 135 आ जाएगा। तो अभी मुझे इसका बाइसेक्ट करना है, यानी डी ए सी ये जो एंगल बना है इसका मुझे बाइसेक्ट करना है। तो इसका बाइसेक्ट करने के लिए इस एंगल की जो ये आर्क है, इसका मैं आधे से ज़्यादा कंपास पे ले लूँगा। ये ले लिया मैंने, तो एक बार यहाँ पे रख के और दूसरी बार यहाँ पे रख के मैं ये आर्क लगाऊँगा, तो मुझे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट से मैं अपनी रे के इनिशियल पॉइंट को जोड़ दूँगा। और इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई, रख देते हैं इसका नाम
तो ये E, तो EAB, ये जो एंगल मैंने रेड पेन से बनाया है ये आपका 135 डिग्री का है। जस्टिफिकेशन इसका मैं अभी अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए। ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, एक रे ए बी बनाई, इनिशियल पॉइंट ए पर है। एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल सी ए बी 120 डिग्री, इसी पॉइंट के ऊपर एक सी ए बी का एंगल बना दिया 120 का, जो कि बहुत सिंपल है। फर्स्ट आर्क और सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क पे 120 का एंगल बन जाता है। अब एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब इसी पॉइंट के ऊपर एक डी ए बी का एंगल बनाना है जो कि 150 डिग्री का होगा। वो 150 कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिविजन्स हैं, 60 एंगल है, तो 60 का जब हाफ कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 120 के आगे 30 जुड़ने से ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 150 डिग्री आ गया। अब जो बीच में ये एंगल बना है सी ए डी, इसमें 30 डिग्रीज है, इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ ई ए सी जो है ये 15 डिग्री आ गया। तो अभी यही करना है हमें, बाइसेक्ट सी ए डी, ये जो सी ए डी आया है इसका हमें बाइसेक्ट करना है। देन एंगल ई ए सी हो जाएगा 30 का हाफ यानी कि 15 डिग्री। अब लास्ट ई ए बी हमारा 135 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ई ए बी मिलके बना है दो एंगलों से, एक तो ई ए सी से, ई ए सी जो कि 15 डिग्री है, और दूसरा एंगल सी ए बी जो कि 120 डिग्री है। दोनों को प्लस करेंगे 135 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है ना आपने दो एंगल सीख लिए, एक तो 150 का भी सीख लिया क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है, और 135 का भी आपने सीख लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और कि इसको ना वेरीफाई भी करना है, तो इसको डी से हम वेरीफाई कर लेते हैं प्रोटेक्टर से। तो जब इस एंगल को, ये जो रेड कलर का है ये मेरा आंसर है 135 डिग्री का, तो मुझे ये चेक करना है। तो अपनी रे के ऊपर, इनिशियल जो रे है मेरी ए बी, इसके ऊपर मैं ये लाइन रखूंगा डी की, और क्योंकि एंगल मेरा राइट साइड से शुरू हो रहा है तो यहाँ जीरो है, जीरो मेरा अंदर है तो मैं अंदर की काउंटिंग पे ध्यान दूंगा। अंदर चले 10 20, ये सारा हुआ, यहां से यहां तक यहां पे पहुंच गए, ये देखिए 130 आ गया। 130 के ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, 130 और 140 के बिल्कुल बीच में आ रहा है ये वाली लाइन पे, तो यहाँ पे 135 का ये एंगल बन गया, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।